गाड़ियों की ड्रिफ्ट हो गई जी, ये चीज ले जी। ये सफाई वाली गाड़ियाँ गुजर गई हैं यहाँ से, और ट्रैफिक वाले चलो जी, चलो सिग्नल आ गया। मैं अस्सलामुअलैकुम। सो आज हम हैं जी मालम जब्बा में। हमारी चुलबुल इस वक्त फुल बर्फ़ में डूब चुकी हुई है, और ये भाई वाइपर से साफ कर रहा है, और ऊपर जाना हमने मालम जब्बा में। ड्रोन देखते हैं चलता है तो चलाएंगे। रात को बहुत हैवी स्नो हुई थी, आप पिछले व्लॉग में देख सकते हैं, स्नो चेन हमारी लगी हुई है जो कि इस वक्त हमारा फुल साथ दे रही है। साफ कर रहे हैं रोड को, वी हैव टू वेट फॉर द सिग्नल। हमें जी यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल आया कि आ जाओ, तो हम यहाँ से गुजर रहे हैं। सामने जी आप देख सकते हैं कितना कमाल किस्म का यार व्यू है, माशाल्लाह। वो ऊपर पीसी होटल आपको नज़र आ रहा होगा, वो वहाँ तक हमने जाना है। मुझे नहीं लगता कि 1 किलोमीटर पूरा भी बनता होगा। यहाँ पे जितने ये होटल रेस्टोरेंट हैं सारे इस वक्त बंद हैं, कोई भी इस वक्त खुला नहीं हुआ। आगे जी पार्किंग नहीं है, सो यहाँ पे हमने गाड़ी कर दी है पार्क। पीछे आपको शायद नज़र आ रही हो। ले जी अपने संगी बेली तैयार हैं। ये हैं जी तलहा भाई। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं पैदल। ये प्रिडिक्शन आपको दे देते हैं, ये हमें आ रहे हैं यहाँ पे गेट में। अपना कार्ड दिखाएंगे कि हमारी सर्विसेज लो, और कहेगा हमारे पास ये हमारे पास वो है, और हम आपको ये भी कराता है, आपको वो भी कराता है, ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है। ये देखें ये कार्ड निकाल भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसा फिर? अभी पानी लिया ही था, और इस पानी का आप हाल देख सकते हैं। इसको लाओ जरा, ये देखा हमने थोड़ा सा पिया अभी, थोड़ा सा ना। और ये है जी एंट्री गेट, यहाँ का एंट्री गेट की कोई टिकट है इधर, टिकट ये टिकट काउंटर ये है, यहाँ से पता करते हैं। आज शूज़ पहने हैं तो ज़रा सुकून हुआ है, अब बेहतरीन तरीके से चला जा रहा है। जो कपड़े के शूज़ थे उसके ऊपर मुश्किल हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या टिकट है? बीच में वो भी है, चेयर लिफ्ट भी इसी तरह। अगर हम चेयर लिफ्ट नहीं लेना चाहते 800 एक बंदे का एंट्री है। ऑफ सीजन में आए हैं, और ऑफ सीजन में भी फुल लूट मचाई हुई है। कुछ धूप निकली है यहाँ पे। अंदर है जी 1200 रुपया एंट्री विद चेयर लिफ्ट। सो अंदर हम यहाँ से देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है जो हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं। चेयर लिफ्ट है जो कि ना चला बिल्कुल ना, उसके अंदर है ही कोई नहीं। सो हमने फिर ये डिसाइड किया जी कि हम यही खड़े होकर एक ड्रोन शॉट लेते हैं, क्योंकि धूप है, हवा कम है, और स्नो भी नहीं है, हमें एक एडवांटेज है। सो ड्रोन शॉट लेते हैं, ड्रोन शॉट से आपको यहीं से दिखाते हैं। ड्रोन हमारा ले चुका है फ्लाइट, और सामने जितना आप देख सकते हैं वो है जी चेयर लिफ्ट। Thank you.
हम इस वक्त ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे हैं और इस वजह से मैं इसको मज़ीद हाइट पर नहीं लेके जा सकता, और यहाँ पे ये सारे वो स्केटिंग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल जहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग हैं, टिकट काउंटर है, कुछ नीचे गाड़ियाँ पार्क हैं। सामने आप देख सकते हैं जी पीसी होटल है, इस पीसी होटल के सामने हम बैठे हुए हैं, और ऊपर जो आप देख सकते हैं जो कमाल की फोग है ना, वो तो जी दिलकश है। तो जी इस वक्त हम लेने लगे हैं जी हम अपना ड्रोन शॉट, तो जी कम लेके जाएंगे पीछे वाली साइड पे। इस वक्त लैंडिंग की तैयारी चल रही है, स्नो शुरू होने वाली है, इससे पहले कि यार स्नो आए इसको लैंड कर लिया जाए। हाथ सुन रहे हुए हैं लेकिन लैंड तो करवाना हमने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जी हम खा रहे हैं पकौड़े। कुमार ड्रोन लैंड भी कर लिया और पैक भी कर लिया, अब हम ठंड में पकौड़े एंजॉय कर रहे हैं। स्नो चेंज जा रही हैं। सो जी भाई ये ना इन्होंने सड़क के अंदर एक ना दरारें मारी हुई हैं ग्रिप के लिए, वो बजरी होती है, ये बजरी है ऐसे ऐसे, ये देख ये, जब जब गर्मियों में आओ ना तब पता चलता है इसका। जिस होटल में हम रहे थे वहाँ पे छत पे एक बच्चा बाहर बर्फ़ फेंक रहा है, और यहाँ पे वो हमें कह रहा था कि जी हमारे से पिछले टायरों पे भी स्नो चेन लगवा लो, तो वो बैठे हुए ना, हाँ कहता है तुमको इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगा, ऊपर से बर्फ़ फेंक रहा जी वो, ये चीज़ ओए 5 मिनट खड़ो के बस। और आओ छोड़ दे। और ये देखे जी हम अभी नीचे उतर हैं और आप व्यू देखिए, बहुत कमाल किस्म के, वो गाड़ी हो गई ड्रिफ्ट हो गई जी, ये चीज जबरदस्त जी, काफी बेहतरीन तरीके से हसन भाई ने हैंडल किया गाड़ी, इस टाइम ड्रिफ्ट खाई थी। हम सारे उतरे हैं, आगे वजन रहेगा तो फिर बैलेंस है, थोड़ी रिवर्स लेके जा, रिवर्स लेके जा सनी, अब यहां से उस साइड पे। सो अभी हमारी गाड़ी बड़ी कमाल की ड्रिफ्ट की है, सो माशाल्लाह एहसन भाई की स्किल्स ही, इन्होंने फोर्जा खेली हुई है काफी, इन्होंने इसको रोटेट कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बचाया। चैन ने यार इस टूर में काफ़ी साथ दिया है, मज़ा आया, एक दफ़ा गाड़ी स्लिप हुई थी लेकिन बचत हो गई।
इस इलाके से वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा, पर क्या करें जी, जाना तो है। तो हमारा वहाँ पे ना सब कुछ है, जितना मर्जी हम घूम फिर लें, महीना घूम लें। हमें यहाँ से सिग्नल मिल गया कि आ जाओ, तो हम यहाँ से गुजर रहे हैं। शुक्रिया भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कहता कि कोई चेन एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करो। हाँ जी, नीचे सही उतर रही है गाड़ी? बहुत मुश्किल है नीचे उतरना, मुश्किल आ रही है बहुत ज़्यादा। गाड़ी एक दफ़ा तो स्लिप हो भी चुकी है, लेकिन मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। चलें जी, स्लो स्लो हम जाने देते हैं, यहाँ से उतारते हैं। स्नो चेन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ग्रिप में है, तो इसी को हम लेके जाएंगे आगे तक। अब अल्टीट्यूड कम हो रहा है तो सर्दी हमें कम फील हो रही है इस वक्त। ऊपर जो था हाइट ज़्यादा थी, इस वजह से हमें सर्दी भी ज़्यादा फील हो रही थी। चेक पोस्ट आ गई है, ले जी ये सफाई वाली गाड़ियाँ गुजर गई हैं यहाँ से, और ट्रैफिक वाले चलो जी, चलो सिग्नल आ गया, हमें रोड से स्नो क्लियर कर रहे हैं और ट्रैफिक वाले जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये जी हमारी गाड़ी स्लिप हो रही है यहाँ से, वैसे फ्रेश स्नो है वो ज़्यादा काम ख़राब करती है। भाई रास्ता दे दो, थोड़ा साथ करके खड़ी कर लो यार। स्पीड लिमिट यहाँ पे मेंशन है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम यहाँ पे 10-20 पे जा रहे हैं। बी केयरफुल, ये जी यहाँ पे मस्तियाँ हो रही हैं। स्लो डाउन। और सबसे मज़े की बात है जी, यहाँ पे जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं ना, उनके अपने मज़े हैं, ये अप्लाइड फॉर गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ चल रही है जी स्नो फाइट। ओ तेरा पलावे, ओ खैर, ओए हुए। ओ ना इधर ना फेंकना कोई बस। ओए हुए। यार जो आपने ब्लॉग उठा के फेंका ना, मजा करा दिया। यूट्यूबर ओ गे। ये भाई कंबल लेके जा रहा है। स्नो चेन हो रही है जी, डीएसएमबल डी अटैच भी हो रही है, डी असेंबल भी हो रही है, जो मर्जी आप इसे कंसीडर कर लें। तो हम यहाँ से स्नो चेन को उतारेंगे। लगानी ज़्यादा मुश्किल है, उतारनी आसान। बहुत हो लगानी बहुत मुश्किल है, पूरी दफ़ा जल्दी लग गई थी फिर भी। हमने 2-3 दफ़ा लगाई है ना, अब आइडिया हो गया कि तरीका क्या लगाने का। जो पिछले व्लॉग्स हैं आप उनमें देख सकते हैं, जब हम आ रहे थे इधर शांगला टॉप हो गया, और जो मालम जब्बा आ रहे थे इसी रोड पे, जब हमने 2 दफ़ा चेन लगाई है, उतारी भी है, तो हमें तो प्रैक्टिस हो गई थी कि कैसे उसको पकड़ के लॉक करना है और किस तरह उसकी सेटिंग बनानी है कि टायर उसका डैमेज ना हो। उसको देखने के लिए आप पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ये ऐसे आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, आई लव योर कार, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? क्रिप्टो। ओहो, चेन डी अटैच हो चुकी है, प्लेन रोड है। अब आएगा जी सफर का असली मजा, क्योंकि अब हम जाएंगे जी तेज गाम नॉन स्टॉप।
गीली है तो, लेकिन उस्ताद जी दबा के गाड़ी चला रहे हैं ग्रिप के साथ। इस टूर का मज़ा आया ना वो तो मैं कहता हूँ कि कमाल था, फैबुलस। अभी हम जा रहे हैं वापस, हम जाएंगे सवात, मालाकंड, मर्दान, अटक, देन इस्लामाबाद। ये हमारा इस वक्त रूट है। अब हम वापसी की तरफ हैं और अब मैं वापसी की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा ट्रिप बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। पूरी जो ब्लॉग सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट की गई, काफ़ी मेहनत की गई है इसको बनाने में, एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर एहसन जो यार हमें अपनी ड्राइविंग स्किल्स के साथ हमें यार यहाँ पर लेके आए हैं और हमें इंजॉय कराया है। मुझे पता ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन हमने यार इनका शुक्रिया अदा करना है। आपने जी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे जी किसी दूसरी एक्साइटिंग सीरीज़ में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।